हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ नर्स की 740 पदों पर वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स EMRS। EMRS क्या होता है दोस्तों? EMRS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी स्कूल के अंदर जो स्टाफ नर्स रहती हैं उनके लिए ये वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बताया गया है कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट रूल्स रहेगा, क्या बेसिक पे रहेगा, क्या इसका पे लेवल रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या एज का क्राइटेरिया रखा गया है, ये सब इसके अंदर जो है EMRS के स्टाफ नर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो बनाया गया है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वैकेंसी है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी NESTS, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं उसके लिए 740 जो स्टाफ नर्स हैं उनके लिए ये भर्ती का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसका नोटिफिकेशन ये रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स हियर बाई द मेक्स द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट रूल्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर EMRS, यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे केंद्रीय विद्यालय के अंदर जैसे होती है, केंद्रीय विद्यालय के अंदर होती है, या फिर नवोदय विद्यालय समिति जो वैकेंसी करवाती है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी जो टीचर सब की वैकेंसी होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ये 2 जून 2023 को रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर जो पद हैं, जो टीचर्स के पद हैं, उन टीचर्स के पद के साथ में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, यानी जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं टोटल 740 स्कूल्स के लिए इन्होंने 21 स्कूल के लिए एक पद रिलीज़ किया गया है। इस प्रकार से टोटल 740 पदों के लिए ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अभी जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट रूल्स है। रिक्रूटमेंट रूल्स बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, आर्ट म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, सोशल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरेट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, लेब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स रिक्रूटमेंट रूल्स, ठीक है, 2023। ठीक है, तो ये रूल्स है जो कि पहले वैकेंसी आने से पहले रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद में वैकेंसी रिलीज़ होती है। तो वैकेंसी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा और आप इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो पोस्ट का नाम रहेगा स्टाफ नर्स और एक पर EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए टोटल 740 पदों पे ये वैकेंसी। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ग्रुप सी के अंदर रखा गया स्टाफ नर्स को, लेवल 5 के अनुसार 29,200 से लेकर के 52,300 के अंदर पे लेवल के अंदर ये पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पे दे रखा है। एज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देखेंगे तो अप टू 35 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही ST OBC और जो कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी एस सी नर्सिंग के साथ साथ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ, RNR विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, उसके साथ ही 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग अबव, यानी जो है 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांगा गया है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसकी अपडेट मिल जाएगी। आज यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर इस बारे में बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन खोल पर जरूर से दबा लें। तो दोस्तों आज किसी वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।